हेलो एवरीवन, माधुरी आर्ट्स चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं पुराने क्लॉथ से फ्लावर्स बना सिखाती हूँ। तो वो पुराना कपड़ा है साड़ी का, थोड़ा सिंथेटिक लेना है तो उसमें शाइनिंग आता है। तो चले शुरू करें। तो देखिए, ये लीव के लिए ग्रीन क्लॉथ लिया है और ये पुराना साड़ी का कपड़ा है सिंथेटिक वाला। इसमें बॉर्डर था, वो बॉर्डर निकाल के बीच का प्लेन वाला लिया है। इसके स्क्वायर पीस काटना है, स्क्वायर नहीं, इस तरह से लंबी रिबन जैसी पट्टी काटनी है। इसके जैसी लंबी कटिंग करना है, डबल लेना है, इस तरह से काटना है और इसको डबल करना है और इस तरह से इसकी कटिंग करना है। तो फ्लावर तो एकदम रेडी है। इसे रिबन जैसी पट्टी काटकर बहुत ही छोटे फ्लावर बनाना है, तो इतना छोटा कपड़ा लेना है, इसको डबल करना है, फिर यहाँ से कट करना है। तो इसका छोटा सा फ्लावर कितना सुंदर लग रहा है वो मैं बताती हूँ। देखिए, इतना सुंदर लग रहा है छोटा सा। इसके लिए वायर भी ले सकते हैं या मेडिसिन बॉटल का जो है साइड का कटिंग, उसके ऊपर मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स बनाया है इसी तरह से। तो ये फ्लावर्स के लिए पहले इस तरह से कटिंग करना है। तो मैंने बड़े बनाए वीडियो बनाने के लिए, इस तरह से इसको कट करना है। इसी तरह इसका कटिंग होगा, देखिए इस तरह बहुत थिन कट करना है। मैंने ये कट कर दिए, इस तरह से कट करना है। देखिए, लीफ के जैसा आकार काटना है और ये स्ट्रॉ या ये तो मैंने पेपर का बनाया रॉड, इसके ऊपर मैंने चिपका दिया है और ये येलो कलर से इसके लाइन ड्रॉ किया है। इसी तरह लीफ रेडी करना है। ये मेडिसिन का एक टुकड़ा लिया है साइड का मोटा सा, इसके ऊपर छोटे छोटे फ्लावर, ये हार्ड भी बहुत है तो इसके ऊपर हम बनाएंगे। पोलन्स लेना है, इस तरह से आगे पीछे करना है पोलन्स को। इसी तरह इसके ऊपर रखना है और इसको थ्रेड से बांधना है इसी तरह से। पोलन से इसको बांधना है, फिर ये जो डबल कटिंग किया है इसका लंबा लिया है थोड़े बड़े फ्लावर बनाने के लिए, और इसमें मैंने कटिंग कर दिया। बस इसको कुछ नहीं रोल करना है इसी तरह से। ये देखिए, इस तरह हमारा फ्लावर रेडी हो जाएगा। लास्ट में इसको बांधना है धागे से। फिर इसको लास्ट में ग्रीन क्लॉथ लगा देना है और इसको नॉट डालना है इसी तरह। हमारे सभी फ्लावर्स रेडी है ऑलरेडी। ये देखिए, मैंने स्ट्रॉ के ऊपर बनाया, इसके ऊपर लीफ बनाया। ये जो धागे जो निकले हैं ना, इस तरह कण ज़बरदस्ती मैंने निकाले हैं। आपको भी धागे निकालना है तो ये जो है इसको कट करना है एक एक को, तो धागे निकले जैसा ओरिजिनल लुक आएगा। तो ये देखिए, मैंने छोटे भी बनाए, कुछ बड़े बनाए, इस तरह से बनाना है और ये फ्लावर पॉट में अरेंज करना है। लीफ तो इसी तरह से लगाना है। उसके बाद ग्रीन कलर, आप ग्रीन कलर का स्ट्रॉ भी ले सकते हैं, आयरन वायर भी ले सकते हैं, उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो अभी और फ्लावर पॉट में अरेंज करें। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और इसका दूसरा भी तरीका मैं बताती हूँ। तो देखिए, मेरे पास ऑलरेडी छोटे छोटे फ्लावर्स रेडी हैं इसी तरह से, मेडिसिन के इसमें ऊपर किए हुए छोटे छोटे फ्लावर्स हैं। तो इसको आप ब्रांच के ऊपर भी लगा सकते हैं, तो मैं बताती हूँ। तो देखिए, इस तरह एक ब्रांच के ऊपर भी आप लगा सकते हैं इसी तरह से। छोटे छोटे लीव भी बनाकर आप चिपका सकते हैं गन ग्लू से। तो देखिए, ये हमारा पहला पैटर्न इस तरह से, और ये दूसरा पैटर्न। तो आज का वीडियो कैसे लगा? पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।